छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खुशखबरी जो है निकल कर आ रहा है कि बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए जो है 30 सितंबर से एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके हिसाब से जो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को जो है 8 साल बाद मिलेगा शिक्षक बनने का मौका। 85,000 शिक्षक भर्ती के लिए आपको जो है 30 सितम्बर से आवेदन करना है, और 30 सितम्बर से जो है आवेदन करना भी आपका शुरू हो जाएगा। तो स्कूलों में जो है 45,852 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक होंगे नियुक्त। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है एक अच्छी पहल जो है निकल कर आया है। और बीएड वाले स्टूडेंट के लिए जो 8 साल बाद मिलेगा आप सभी स्टूडेंट को शिक्षक बनने का मौका। तो जो भी स्टूडेंट जो बीएड कोर्स करते हैं, और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं शिक्षक बन सकूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सके, तो आप सभी के सपने जो है पूरे होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सपने देखो, सपने सच होते हैं। बस तुम्हारे सपनों में जान होनी चाहिए और उसे पूरा करने की शिद्दत होनी चाहिए, पैशन होने चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि मैं सपने देखता हूँ, मुझे टीचर्स बनना है, मेरा 10th में 12th में ग्रेजुएशन में बीएड में बहुत अच्छे से परसेंटेज है, तो मैं टीचर जो है आसानी से बन जाऊंगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पैशनेट रहिए और सब्र रखिए। देखिए, इंतज़ार दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जो इंसान सब्र कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है, उसे वो हर एक कामयाबी मिलेगी, हर एक खुशी मिलेगी जो वो चाहता है। तो यदि आपको भी कामयाबी चाहिए ज़िंदगी में, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको भी हर एक कामयाबी जो है सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। तो यदि आप में सब्र है तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगा। तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है 8 साल बाद जो है शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 85,000 शिक्षकों के पदों पर जो है भर्ती होना है, और 30 सितंबर से आप जो है इसके लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो क्या है ये अपडेट, आप लोगों को आगे हर एक जानकारी जो है देखने को मिलेगा। और अभी जो है छत्तीसगढ़ में टीचर्स के 12,489 पदों पर भी भर्ती निकला है, और इसके लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, और टेट एग्ज़ाम्स आपका 18 सितंबर को भी आयोजित हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया है, बस आप लोगों का टेट एग्ज़ाम सब क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए और एक अच्छी अवसर है बताना चाहता हूँ, यदि आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स किसी वजह से क्वालिफाइड नहीं हो पाता तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपका पढ़ाई जो है निरंतर आपको जारी रखना है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है सी टेट। जी हाँ, आप जो है सी टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अभी सी जी टेट का हो रहा है और सी टेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 12,489 पोस्ट आया है और इसका एग्ज़ाम्स आपका 2023 में जनवरी 2022-23 में जो है देखने को मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट के पास अभी टाइम है, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, बेहतर तरीके से करना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाए। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है, चाहे आपका सी जी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो दोनों में से यदि एक भी अगर एग्ज़ाम्स आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप टीचर बन जाएंगे, लेकिन ये आपकी शुरुआती सीढ़ी होता है। आपको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना ही होगा, और इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो देखिए, आप जो है मंजिल के बारे में, आगे के बारे में मत सोचिए, जो सीढ़ियाँ उन सीढ़ियों को जो है पार करते जाइए, उसके बाद आप सफलता के शिखर तक जो है पहुंच जाएंगे। बस आपको शुरुआत करना है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, वही आप में जो है सबसे बड़ी जीत होती है। किसी भी चीज़ के लिए जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, मतलब सफलता मिले या ना मिले, आप सीखेंगे ज़रूर। और जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो सभी आपके मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होता, मेहनत आपके जो है रंग लाता है। तो सफलता यदि आपको अभी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आगे चलकर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है एक अंक के होंगे, और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है 1/4। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसके साथ आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा, इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग।
निगेटिव मार्किंग। और बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से 25 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों का, गणित विज्ञान और रीजनिंग से 30 अंकों का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वही हिंदी की बात करें तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भाव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, स्वर व नाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी व्याकरण की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपको लेना है, जिससे आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। यदि आप ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्जाम्स में दिया रहता है। इसके साथ आपके मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक लेना है। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो अंकगणित है। इसके साथ जो लॉजिक वाला रहता है, अंकगणित, तार्किक वाला, रीजनिंग, यही आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल होता है। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। इससे यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।